इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है तुर्क अफगान शासक। तो अगर आप बाकी सब्जेक्ट का वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट से देख लीजिए। आप सब कमेंट करते हैं कि ये चैप्टर कहाँ, वो चैप्टर कहाँ, तो आप सबसे गुजारिश है कि आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लें। सारे सब्जेक्ट का वीडियोज़ बना चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ए टू जेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जैसा आप सब चाहते हैं। तो चलिए बिना समय के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तुर्क अफगान शासन, पहला है सवाल, जूम कर दे थोड़ा सा। पहला सवाल है, दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के काल में हुई? तो किस राजवंश के काल में हुई? तो तोमर राजवंश के काल में हुई। तो उत्तर लिखेंगे, दिल्ली की स्थापना तोमर राजवंश के काल में हुई। टू है, अलाउद्दीन खिलजी के समय किस गुलाम सेना नायक ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी? तो उत्तर लिखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के समय गुलाम सेना नायक मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। तो कौन सा सेना नायक को भेजा था अलाउद्दीन खिलजी? तो मलिक काफूर को भेजा था, ठीक है, दक्षिण पर विजय प्राप्त करने के लिए। थ्री है, मूल्य नियंत्रण की नीति किस सुल्तान ने लागू की थी? तो ये लागू की थी क्या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो उत्तर लिखेंगे, मूल्य नियंत्रण की नीति अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। फोर है, दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया था? तो ये करवाए थे नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने। तो उत्तर लिखेंगे, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। आगे फाइव, तो यहाँ पर देखिए फाइव, जूम करते हैं थोड़ा सा। तो प्रारंभिक तुर्क वंश, तो प्रारंभिक तुर्क वंश कौन था? तो इससे संबंधित है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मैंने मिला देते हैं, ठीक है। तो इसको गुलाम वंश भी बोलते हैं, ठीक है, और ममलुक वंश भी बोलते हैं। तो उसके यही थे पहले राजा। और है खिलजी वंश, तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। अब है तुगलक वंश, तो तुगलक वंश के राजा कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश, तो सैयद वंश के राजा हैं खिजर खां। और जो बच गया लोधी वंश, तो लोधी वंश के राजा बहलोल लोधी, ठीक है। तो यहाँ पर वंश है और यहाँ पर राजा हैं उस वंश के। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आंसर, तो आंसर भी आप देख सकते हैं। आगे है, आइए समझें। सिक्स है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अख्तादारी व्यवस्था पर प्रकाश डालें, यानी कि थोड़ा वर्णन कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को, अमीरों मतलब क्या, अपने अंतर्गत है ना शासकों को नियुक्त करते थे, मतलब कर्मचारियों को नियुक्त करते थे, कर्मचारियों को, उसी को बोलते थे क्या, अमीर, ठीक है। तो अमीर का मतलब ये नहीं कि बहुत धन दौलत है, नहीं, दिल्ली के शासक जो होते थे ना, दिल्ली के तुर्क शासक, वो क्या करते थे, अपने कर्मचारियों को नियुक्त करते थे ताकि प्रशासन को संभाला जा सके, तो उन्हीं को बोलते हैं अमीर। तो दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में नियुक्त किया था, ठीक है, ये इलाके अक्ता कहलाते थे, ठीक है। इनका दायित्व अपने अक्ता में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना, आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक मदद देना तथा भूमि कर की वसूली करना था। तो मान लेते हैं कि इतना बड़ा राज्य है, तो एक छोटा सा राज्य इस तरह से छोटा छोटा दे दिए, ठीक है, इन सभी को अख्ता बोलते हैं, समझे, अख्ता, या इन अमीरों को दे दिए, नियुक्त कर दिए, इन इलाकों को अख्ता बोलते हैं, और इस व्यवस्था को अख्तादारी व्यवस्था बोलते हैं। और ये जो अमीर को नियुक्त किया है ना, तो इनका काम है कि इस जिस एरिया में नियुक्त किए हैं उस एरिया से टैक्स वसूल करना। उसके बाद है कि उनके पास कुछ कुछ सेना रहता था, घोड़ा रहता था, हाथी रहता था, ठीक है। तो युद्ध लड़ने जाएंगे ना राजा, तो ये क्या करते थे, उनको घोड़ा, सैनिक, हाथी, ठीक है, ये सब उपलब्ध कराते थे, और क्या। तो यही बात है। सेवन देखिए, सल्तनत काल में लगान व्यवस्था का वर्णन करें यह बतावे कि किसानों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव था। तो उत्तर लिखेंगे, सल्तनत काल में धनी किसान का वर्ग राज्य की ओर से किसानों से भूमि कर वसूल करते थे, ठीक है। धनी किसान का वर्ग जो होता था ना, तो राजा क्या करता ना, धनी किसान का वर्ग है तो उसका दबदबा है,
उस क्षेत्र में टोनी को दे देते थे, लेकिन तुम ही टैक्स कलेक्ट करो, कुछ परसेंट रख लेना टैक्स का, और फिर क्या, फिर बाकी दे देना हमको। इस सेवा के बदले में उन्हें कर का एक हिस्सा मिलता था, टैक्स का हिस्सा। मान लेते 100 रुपये इकट्ठा किए तो बोलते थे कि ठीक है 10 रुपया तुम रख लेना, या 20 रुपया रख लेना, 80 रुपया दे देना, इस तरह से। और क्या, ये अपनी भूमि पर लगने वाले कर का बोझ गरीब किसानों पर डाल देते थे, समझे। इनका भी तो जमीन है, धनी किसान है, कब बढ़ गया तो ये भी तो खेती करेंगे, तो इनके खेत पे क्या टैक्स लगेगा। तो सोचते थे ना कि टैक्स लग रहा है, ठीक है, तो ये गरीब किसानों से थोड़ा ज़्यादा ले लेते थे, ज़्यादा, समझे, कि हमको देवे करो, चाहे बाढ़ आ चाहे सुखाड़ आ चाहे हमको देवे करो, और फिर वो दे देते थे राजा को। ये तो देखिए, दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों की सूची बनाएं और उनके कार्यों का उल्लेख करें। तो प्रशासनिक व्यवस्था यानी जो प्रशासन है ना, जो भी अधिकारी संभाल रहे थे, तो उनका काम लिखना है और उनका नाम लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे, दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों की सूची और उनके कार्य निम्नांकित थे। इधर अधिकारी का नाम है, इधर उनका कार्य है। तो देखिए, सूबेदार, सूबेदार क्या, सूबा का मुख्य अधिकारी था, ठीक है। सेनापति, सेनापति, अब ये सूबा क्या होता है, तो बहुत सारा राज्य है, तो छोटा छोटा जो राज्य छोटे छोटे भागों में बांट बांट दिया गया था, ताकि प्रशासन अच्छे से संभाला जा सके। जैसे है ना, भारत राज्य है, भारत देश है, तो उसको विभिन्न राज्यों में बांटा गया, तो उसी तरह। और क्या, सूबा, तो सूबा का अधिकारी रहेगा, तो मुख्य अधिकारी सूबेदार, जैसे राज्य का मुख्य अधिकारी मतलब काम करने वाला समझे मुख्यमंत्री होता है, उसी तरह। सेनापति, तो सेना पर नियंत्रण रखना, वजीर, ये वित्त विभाग का प्रधान होता था, पैसा जो संबंधित होता है ना उसका प्रधान होता था। आरिजे ममालिक, ये सुल्तान की सेना का प्रधान होता था, ठीक है, राजा के पास जो सेना है। वकीले दर, राज परिवार की देखभाल करना, तो वकीले दर क्या करते थे, राजा का जो परिवार है तो देखते थे कि हाँ उनकी बीवी को क्या चाहिए, मान लीजिए कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, मतलब या फिर कहीं घुमाने ले जाना है, तो सब कुछ देखते थे वकीले दर। काजी, ये न्याय करना, ये न्यायाधीश होते थे, काजी, ये न्याय करते थे। आगे देखिए, दीवान ए इंसा, ये राजकीय फरमान जारी करना, ये राजकीय फरमान जारी करते थे, राजा जो बोले, मान लेते बोल दिए कि हाँ कि आज शाम में नहीं निकलना, तो कोई बताने वाला होना चाहिए ना, ठीक है, या फिर कुछ और निर्णय किए हैं तो सबको बताना जरूरी है। बरीद ए मुमालिक, गुप्त सूचना एकत्र करना, इसका काम है, और राजा को ये सूचना देते थे। मुक्ति, मुक्ति का काम है अक्ता में शांति व्यवस्था बनाए रखना। आमिल का काम है वसूले गए राजस्व का हिस्सा रखना, हिसाब रखना, हिसाब कितना टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, पूरा का पूरा हिसाब रखेगा आमिल। आगे देखिए, सल्तनत काल में उपजाए जाने वाले अनाजों को खरीफ एवं रबी फसलों में बांटकर समझाइए, खरीफ फसल और रबी फसल में। तो यहाँ देखिए, खरीफ फसल समझिए कि बरसात में, रबी फसल का ठंडा में बोएंगे। आगे देखिए, तो लिखेंगे, सल्तनत काल में उपजाए जाने वाले अनाजों की खरीफ एवं रबी फसल निम्नांकित है थे। तो खरीफ फसल, तो जैसे धान हो गया, ज़्यादा बारिश की आवश्यकता होता है ना, ज़्यादा पानी की आवश्यकता होता है धान को, धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, तिल, कपास, ये सब बरसात में उगाए जाते थे, और रबी ठंड में गेहूं हो गया, जौ, उड़द, मूंग, मसूर, चना, ये सब उगाए जाते थे, ठीक है। तो जो जो उगाए जाते थे वो लिख दिए। नेक्स्ट है, आइए विचार करें, 10 है, अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण पर प्रकाश डालते हुए विचार करें कि क्या वर्तमान समय में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर वस्तुओं की बिक्री की कोई योजना कार्य कर रही है। तो बोले ना कि अलाउद्दीन खिलजी वो फिक्स कर दिया था हर चीज़ का, क्या इतने में बेचना है, ठीक है, ताकि आम जनता को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, महंगाई नहीं है समाज में, ठीक है। तो वर्तमान समय में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर कोई वस्तु बिकता है, एकदम सरकार निर्धारित कर देगा इतने में बेचना है तो इतने बेचना है, तो हाँ ऐसा है, क्योंकि पैकेट बंद चीज़ों पे है ना, जैसे मान लेते हैं कि 5 वाले कुरकुरे खरीदे, तो उसको कोई 6 रुपये में नहीं बेच सकता, कम में बेच सकता है उसका है, लेकिन बट ज़्यादा में नहीं बेच सकता है। तो मूल्य क्या है, फिक्स है ना, इसको बोलते हैं MRP, समझे। तो वो सब चीज़ें हैं, तो उत्तर लिखेंगे, वस्तुओं के मूल्य निर्धारित
करने में अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य अपनी प्रजा को सभी वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना था। ठीक है, सुल्तान ने खदानों से लेकर वस्त्रों, दास का भी बिक्री होता था, दास दासियों का, मवेशियों आदि को निर्धारित कर दिया था कि हाँ इतने में बेचना है तो इतने में बेचना है। अब आते हैं अभी सरकार ऐसा कर रही है कि नहीं, कुछ इससे रिलेटेड या इससे संबंधित। तो वर्तमान समय की सरकारें अनाज के खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित कर देती है। दुकानों पर अधिकांश सामानों पर मूल्य अंकित रहते हैं। तो दुकानों पर अधिकतर सामानों पर तो रहते हैं, कुरकुरे है, चिप्स है, तो बहुत सारी चीज़ों पर रहता है। ठीक है, और अभी क्या करती है ना सरकार, किसान अनाज उपजा दिए, ठीक है, तो सरकार क्या करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित कर देती है कि हाँ कि गेहूँ उपजा, चावल उपजा, दाल उपजा, कि हाँ कि इतने मान लेते हैं कि 1 किलो, ठीक है ना, मान लेते हैं 1 किलो के हिसाब से नहीं रहता, मन के हिसाब से रहता है, 100 किलो के हिसाब से इस तरह से। तो मान लेते हैं कि 1 किलो फिक्स कर दिया कि हाँ गेहूँ बेचना है तो मान लेते हैं कि 20 रुपये बेचना है, ठीक है, और या फिर मान लेता 15 मान लेता तो 15 रुपये में बेचना है। तो कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी व्यक्ति चाहे फैक्ट्री का मालिक हो या फिर कोई व्यक्ति, वो उन किसानों से 15 रुपये में ही खरीदेगा। ठीक है, कम से कम, न्यूनतम मतलब क्या होता है, सबसे कम, ठीक है, और उससे ज़्यादा कितने में खरीद सकता है, वो चाहता है तो 16 रुपये में खरीद लेगा, 17 रुपये में, लेकिन 15 से कम में नहीं खरीदेगा। तो यही न्यूनतम समर्थन मूल्य है, तो ये लागू है। आगे देखिए 11, सल्तनत कालीन किसानों एवं आज के किसानों में आप क्या समानता और असमानता देखते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, सल्तनत कालीन किसानों को मजबूर किया जाता था कि वे अपना अनाज सरकारी दर पर व्यापारियों के हाथ बेचें। ठीक है, सरकार एक फिक्स कर दिया डेट, तो मजबूर किया जाता था कि व्यापारियों के हाथों बेचें, लेकिन मूल्य निश्चित होने के बावजूद आज के किसान अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार फिक्स करती है कि अभी आपका एग्जांपल बताया, तो जोड़ी नहीं कि किसान उसी से बेचेगा, उसको नहीं मन है बेचने का था, नहीं बेचेगा, लेकिन पहले क्या उसको बेचना पड़ता था। ठीक है, सल्तनत काल में सरकारी गोदामों में अनाज रखे जाते थे, तो आज भी रखे जाते हैं, तो समानता हो गया। सल्तनत कालीन किसान केवल हल कुदाल से खेती करते थे, लेकिन आज के किसान यांत्रिक कृषि भी करने लगे हैं। हल कुदाल से तो खेती करते ही हैं, साथ ही साथ भयंकर तो मशीनों का, बहुत बड़ी बड़ी मशीनों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो पहले नहीं करते थे। और विषमता में और लिख सकते हैं कि पहले टैक्स लगता था, ठीक है, मतलब उनको टैक्स के रूप में अनाज देना पड़ता था, कर के रूप में, तब कर के रूप में अनाज नहीं देना पड़ता है। ठीक है, उनकी खेती पर थोड़ा थोड़ा टैक्स लगता है, सरकार लगाती है, बट अनाज नहीं लेती है, समझे, टैक्स के रूप में। अब नेक्स्ट है, आइए करके देखें, 12 है, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं को रेखांकित करते हुए उसकी असफलताओं के कारणों को ढूंढिए। ठीक है, तो यहाँ पर कारण ढूंढना, ये उसका योजना का नाम है, कारण देखिए, कारण इसमें लिखना है और असफलता के कारण इसमें लिखना है। तो देखिए ये राजधानी परिवर्तन है पहला, तो राजधानी परिवर्तन क्यों किया गया, तो इसमें लिखेंगे। ठीक है, और ये असफल हो गया राजधानी परिवर्तन का मामला, तो इसमें लिखेंगे, समझे, तो ये बोला जा रहा है। तो उत्तर लिखेंगे, राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक किया, तो कारण क्या था, दिल्ली वासियों के प्रति अविश्वास था, दिल्ली वासियों पर उसका विश्वास खत्म हो गया था, उसको लगता था ये सब धोखा दे देंगे ये सब। ठीक है, और असफल क्यों हुआ ये योजना, तो परेशानी देख विचार का बदल जाना, उसका बार बार है ना विचार बदलते रहता था। फिर क्या, पहले क्या बोला ना कि हाँ दिल्ली से चलो दक्षिण वर में एक था तो वहाँ चलो अपने राजधानी परिवर्तन कर गया, फिर देखा कि दिल्ली उजड़ गया तो फिर इधर मेंटेन नहीं हो रहा था, फिर बोला कि चलो फिर से दिल्ली आओ, ये क्या तरीका हुआ। तो ये लिखा हुआ, परेशानी देख विचार का बदल जाना, खुरासान विजय, तो कारण क्या था, राज्य विस्तार, ये अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था, क्षेत्रफल को। तो ये असफल क्यों हो गया, खुरासान और मिस्र में दोस्ती हो गए थे इसीलिए। ठीक है ना, ये चाहता था ना कि अधिकार कर लें, ठीक है, और ये मिस्र का सहयोग ले लिया था, मिस्र से है ना दोस्ती कर लिया था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, बाद में पता चला ना कि ये अटैक करने वाला है ना खुरासान पे,
तो पता चला कि खुरासान का राजा और मिस्र का राजा एक दूसरे के दोस्त हो गए। ठीक है, ये इससे दोस्ती किया था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, इसकी सहायता से ये इस पर अटैक करना चाहता था, लेकिन ये दोनों मिल गए आपस में, तो इसका प्लान फेल हो गया। अब देखिए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, तो कारण क्या था, सोने चांदी की कमी थी, तो सोचा कि चलो सांकेतिक मुद्रा चला देते हैं। और असफल क्यों हो गया, लेकिन नकली सिक्कों का बनना, क्योंकि ये सब सिक्के थे ना, इसका आसानी से नकल किया जा सकता था, तो नकली सिक्के आने लगे मार्केट में, तो असफल हो गया। अब आगे देखिए, दुआब में कर वृद्धि, दुआब में टैक्स बढ़ा दिया, तो कारण क्या था, उपज का आधा कर वृद्धि, समझिए आधा लेगा ये, बताइए। असफलता का कारण क्या था, किसान का परेशान होना, किसान ना बहुत परेशान हो गए, तो वो उनमें असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गया, तो विरोध करने लगे। कृषि सुधार, तो कृषि सुधार क्यों लाया था मोहम्मद बिन तुगलक, तो उपज वृद्धि के लिए, किसानों का फसल उत्पादन बढ़े। तो फिर इसमें क्या हो गया, ये असफल क्यों हो गया, भ्रष्टाचार फैल गया, समझे, इसके कर्मचारियों में सब एक दूसरे अपना पॉकेट ही भरने के लिए आगे थे, तो भ्रष्टाचार के कारण ये भी असफल हो गया। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।